हादसे में माता पिता सहित तीन भाई बहन खो चुकी बेटी की हो रही शादी, गरीबी से जूझते बच्ची के बुजुर्ग दादा को मदद दरकार। छतरपुर जिले के गौरिहार तहसील के प्रकाश बमहौरी निवासी गंगादीन वंशकार व उनकी पोती सुनीता की है। बात 15 साल पुरानी है, जब घर की माली हालत ठीक न होने की वजह से गंगादीन के बेटी नंदकिशोर अपनी पत्नी रामरती व तीन बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के बिशनपुर में मजदूरी करने गए थे। गंगादीन के पास केवल उनकी नातिन सुनीता रुक गई और अचानक 27 जुलाई 2009 को ये दिल दहलाने वाली खबर आई कि जहां नंदकिशोर मजदूरी करने गए थे, वहीं एक दीवार ढह जाने के कारण नंदकिशोर उनकी पत्नी रामरती सहित तीनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, परिवार के दो अन्य लोग भी इस हादसे का शिकार हो गए थे। यानी एक ही परिवार के सात लोग असमय काल के गाल में समा गए, जिसमें तीन मासूम बच्चे भी शामिल थे। इस वज्रपात ने जैसे गंगादीन को तोड़कर रख दिया, लेकिन उनकी नातिन सुनीता का उनके अलावा और कोई सहारा नहीं था। लिहाजा कलेजे पर पत्थर रखकर बुजुर्ग गंगादीन ने गरीबी के हालात में सुनीता का पालन पोषण किया। अब सुनीता बड़ी हुई तो दादा गंगादीन को उसके ब्याह की चिंता सताने लगी, लिहाजा एक अच्छा घर ढूंढकर गंगादीन ने अपनी नातिन की शादी तय कर दी है। सुनीता की शादी आने वाली 14 फरवरी को है, लेकिन गरीबी के हालात गंगादीन की चिंता का सबब बने हुए हैं। ऐसे में गंगादीन को अपनी नातिन की शादी के लिए शासन प्रशासन से मदद की दरकार है। खबर जगत के लिए छतरपुर से उदय नारायण अवस्थी की रिपोर्ट। जी गुड़िया, क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता, कैसे घटना हुई थी? आपके परिजनों के साथ माता पिता भाई बहन कैसे खत्म हो गए थे आपके? क्या हुआ था? दीवार गिरने। कहाँ पर गिरी थी? दिल्ली पे। क्या करते थे? मजदूरी करने गए थे। तो कितने लोग खत्म हो गए थे आपके परिवार के? मेरे परिवार के 5 लोग हैं और मतलब घर से पूरे 8 लोग। पूरे 8 लोग आपके परिवार और परिवार से? जी। उसके बाद फिर आपको किसने पाला पोसा बड़ा किया? दादाजी ने। आप यहाँ थी क्या दादा के पास? मैं गांव पर थी, दादाजी के साथ। अभी शादी कब हो रही है आपकी? 14 फरवरी। दीवार गिर गई। अच्छा, कितने लोगों की जान गई हुई थी? 7 जने के। 7 लोगों की। हाँ। और बच्ची कहाँ थी? बच्ची यहीं घर में। तो बच्ची का पालन पोषण आपने कैसे किया? सर, सबकी मदद थी। अच्छा, गांव बच्ची की। और अभी बच्ची की शादी है? हाँ जी साहब। कौन से तारीख में शादी? 14 को। हाँ। तो शादियों में क्या दिक्कत आ रही है? सब दिक्कत आ रही, गरीबी बसर है, गाँव कर रहा है मदद। अच्छा। हाँ। तो अब तक प्रशासन से आपकी क्या मांग है? अब जो भी मिल सके।